हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज का पार्ट 4 है जो हम डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को उनके मार्केट को ग्रो करने में। बट आज हम देखने वाले हैं कि हडूप क्या होता है। ठीक है, अब हडूप के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझा होगा। तो हडूप एक सॉफ्टवेयर है जो एक हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा सा ट्रैश है और उस ट्रैश में से आपको कोई गोल्ड ज्वेलरी ढूंढने को बोल दे तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट? लेकिन हडूप क्या करता है, वो उस चीज को आसान बना देता है। कैसे काम करता है आज हम जानेंगे और कितने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हडूप है वो भी पता करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लू बॉक्स है ये हडूप है। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो ब्लू ब्लू बॉक्स है ये हडूप है, इसमें लेगोस पड़े हुए हैं। उसके बाद आप जो अब ये जो ब्लू बॉक्स को हमने हडूप मान लिया, लेगोस को हम डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है डेटा है, बहुत सारा डेटा है। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, ये जो दो बने हुए हैं इसके बाद, ठीक है, ये और ये है हडूप क्लस्टर, जहां पर इन सब डेटा को लिया जाता है। एक एक क्लस्टर में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मशीन थोड़ा थोड़ा डेटा इस हडूप से लेती है, ओके, और उसके बाद ट्राई करके कुछ बनाने की कोशिश करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो डेटा उसको सही लगा उसको निकाल के उसने बनाना बनाने के लिए ट्राई किया है। और एट द एंड सारे जितने भी मशीन्स हैं और उन सब ने मिलके जो डेटा को फॉर्म किया है उसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं सुंदर सा एक टेम्पल जैसा बन गया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हडूप। हम इतने बड़े डेटा को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके पास से एक नया जो इन्फॉर्मेटिक डेटा है उसको निकालते हैं और बाद में उसको कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरह से पूरा हडूप काम करता है, जिससे आपको एक ऑर्गेनाइज डेटा मिलता है। अब हम देखें हडूप का सबसे इम्पोर्टेंट ये जो फंडा है, ये है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ध्यान से कैसे काम करता है हडूप में पैरेलल प्रोसेसिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में 4 TB डेटा को हमें प्रोसेस करना है। स्पीड हमें दे रखा है 100 Mbps और टाइम जो है 700 मिनट लेगा। मतलब 4 TB डेटा को प्रोसेस करने के लिए विद द स्पीड ऑफ 100 Mbps ये पूरा 700 मिनट्स लेगा ये सिस्टम। बट पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 मशीन्स है। इस 4 मशीन्स में हमने डेटा को डिवाइड कर दिया। जब हमने डेटा को डिवाइड कर दिया तो जो हमारा 4 TB डेटा था वो हमारा 1 TB डेटा बन गया एक सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए 1 TB, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। अब सब में स्पीड 100 Mbps है। ठीक है, तो 100 Mbps के स्पीड से वो 700 मिनट जिसपे हमें इतना टाइम लग रहा था, 175 को ये 4 कंप्यूटर्स मिलके, 4 सिस्टम मिलके टोटल 175 मिनट में कर देंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि ये पहले करेगा फिर ये पहले करेगा, बात तो यही हो जाएगी कि पूरे 700 मिनट ले रहा है। लेकिन हम इसको पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलली काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक असाइनमेंट मिला जिसपे दो बड़े बड़े पेज है। अब अगर मैं सिर्फ करूंगी वो दो बड़े बड़े पेज तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन मान लो मेरी कोई फ्रेंड है और हम दोनों मिलके वो एक पेज मैं कर रही हूँ एक पेज वो कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, तो टाइम कितना कम हो जाएगा। तो ऐसे ही पैरेलल प्रोसेसिंग काम करता है जो कि हडूप हमें देता है। तो ये बहुत यूजफुल तरीका है बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए। जैसे जैसे बड़े बड़े डेटा होते जा रहे हैं वैसे हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। अब हम देखें तो हडूप इज लाइक रियली बिग लाइब्रेरी। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हडूप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां पर हम बहुत सारी बुक्स को रखते हैं। लेकिन बट इंस्टेड ऑफ बुक्स वी स्टोर डेटा इन दिस लाइब्रेरी। अब इमेजिन करो कि हम बुक्स की जगह डेटा को रख रहे हैं। एंड जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी हैज मेनी शेल्फ्स टू स्टोर बुक, हडूप हैज मेनी कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा। तो हडूप के पास, जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े शेल्फ होते हैं जिसपे बहुत सारी बुक्स होती है, वैसे ही हडूप के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिसपे बहुत सारा डेटा होता है। बट स्टोरिंग डेटा इज नॉट द ओनली थिंग हडूप कैन डू, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ डेटा। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टोर कर रहा है, वो ऐसे भी वो हेल्प कर रहा है हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए उस जितना हमने डेटा को स्टोर किया उससे। लाइक फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ बुक। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अगर हम एक एक बुक को निकाल के वो वर्ड ढूंढेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन हडूप क्या करेगा, वो
अपने जो उसके पास तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उसको यूज करके वो एक वर्ड आराम से निकाल लेगा। हडूप डज दिस रियली फास्ट बिकॉज इट्स इन मेनी कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत फास्ट फास्ट काम कर रहे हैं और फास्ट आपको आंसर दे रहे हैं। टू सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन वी नीड। सो हडूप इज लाइक अ बिग लाइब्रेरी दैट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा एंड हेल्प अस फाइंड वॉट वी नीड रियली फास्ट। ओके सो अगर हम इसके पहले एग्जाम्पल को देखें तो मान लो ये हम ये एक जो टेम्पल है इसको हम वर्ड्स ले लेते हैं, ये डेटा ले लेते हैं। तो ये जो आप दिख रहे हैं पूरा प्रोसेस, ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, पहले हम इस सिस्टम में डालेंगे, इस सिस्टम में डालेंगे, नहीं। बट एक बार डेटा जो स्टोर हो गया, बाकी वो हडूप संभाल लेता है और आपको एक सिंपल सा जो आपको वर्ड ढूंढा है आपको तुरंत मिल जाता है। ओके सो ऐसे हडूप काम करता है। अगर हम हडूप को एक हडूप की देखो टेक्निकल जो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है वो आपको गूगल में मिल जाएगी, बट मैं आप यहाँ पर आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब आप पढ़ें, जब आप अपनी बुक्स पढ़ें या आपको जो कॉलेज से पीपीटी मिलती है वो पढ़ें, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर हम हडूप को सिर्फ दो वर्ड्स में बोलना चाहें तो हडूप क्या है? HDFS एंड प्लस मैप रिड्यूस। अब HDFC और मैप रिड्यूस क्या है? HDFC क्या है? जो इसका जो फुल फॉर्म है वो है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और मैप रिड्यूस क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस मिलती है। अब हडूप यहाँ पर दो जगह पर डिवाइड हो रहा है, एक HDFC प्रोसेस और पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके जो हम मैप रिड्यूस भी बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेटा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर HDFC क्या लिखा हुआ है? स्टोरेज है। ओके हमें पता है हडूप एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पर अलाउ एनी काइंड ऑफ डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किसी भी तरह का डेटा, भले वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, वो डेटा यहाँ पर स्टोर हो सकता है। और मैप रिड्यूस क्या होता है? प्रोसेसिंग, इसको हम प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। सो ये क्या करता है? यहाँ पर हमने देखा था ना पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, वही करता है मैप रिड्यूस। जो भी डेटा स्टोर होता है HDFC में उससे लेके ये मैप रिड्यूस करता है। मैप रिड्यूस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है HDFC, जो हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा नेम नोड और एक होता है हमारा डेटा नोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेने की सोची है जिससे आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन जो एनिमे कैरेक्टर मैंने लिया है, इसका नाम है नेम कीपर, और जो सेकेंड है इसको हमने बुक कीपर ले लिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा नेम कीपर है वो क्या करता है, इसकी जॉब जो होती है वो क्या करती है, कीप ट्रैक ऑफ वेयर ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। तो जितनी भी बुक्स जो शेल्फ पे रखी हुई है उसको ट्रैक करना, ये काम होता है नेम कीपर का। एंड उनके पास एक स्पेशल मैप होता है, ठीक है, जिससे उनको पता होता है कि जो हर एक बुक है वो कहाँ रखी हुई है। सो दे कैन क्विकली फाइंड एनी बुक दैट समवन नीम। तो जब भी किसी को कोई बुक चाहिए होती है तो वो नेम कीपर आराम से दे सकता है ढूंढ के। अब जो हमारा सेकेंड पर्सन है बुक कीपर, इसकी जॉब होती है कि बुक्स का ध्यान रखना, उनकी कंडीशन को देखना कि वो सारी अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। एंड दे ऑल्सो हेल्प पीपल फाइंड देम बुक्स दे आर लुकिंग फॉर। तो जो भी और ये भी हेल्प करता है कि कहाँ पर बुक रखी हो लोगों की। ओके उनको एक राइट शेल्फ तक ले जाना। सो अगर अब हम इसे इन हडूप पे कंपेयर करें, सो द नेम कीपर इज लाइक द नेम नोड। तो जो हमारा नेम कीपर है वो नेम नोड है सॉरी, और जो हमारा बुक कीपर है वो डेटा नोड है। सो जो नेम नोड है वो सारे डेटा का पूरा ट्रैक रखता है कि वो हडूप में कहाँ पर स्टोर है, जस्ट लाइक अ नेम कीपर कीप्स ट्रैक ऑफ वेयर ऑल द बुक स्टोर। और जो हमारा डेटा नोड है वो देखता है, वो श्योर करता है कि जो हमारे डेटा की जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं। ओके सो ऐसे नेम नोड और डेटा नोड काम करता है। अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, बिग डेटा ही है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होंगे, क्योंकि डेटा जिस तरह से बढ़ रहा है तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट? तो अब इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है हमारा? हडूप। इस वजह से हम हडूप को यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है ग्रोइंग ह्यूज डेटा, जो हमारा डेटा है वो दिन पे दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत कम लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे, बट आजकल ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास फ़ोन है। तो इस वजह से डेटा हर एक इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, राइट? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नाउ अंडरस्टैंड वेरी इजली, जो बिग डेटा एनालिटिक होता है वो हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में।
बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज जिसकी मैंने बात की थी एंड प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक हडूप. सो दीज सिस्टम कैन स्टोर प्रोसेस डेटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर. तो वही क्या करते हैं ये लोग, जब ह्यूज डेटा हो जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं और इन लोग को एक डेटा सेट मिल जाता है दैट कुड बी हैंडल बाय अ सिंगल कंप्यूटर. ओके, नाउ एडिशनली टेक्निक्स लाइक डेटा कंप्रेशन, डेटा पार्टीशनिंग एंड डेटा इंडेक्सिंग, इन सब का यूज करके यूज टू ऑप्टिमाइज द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ लार्ज डेटा सेट. सो ये सारे मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन मेथड्स का यूज करके हमारा फर्स्ट का जो है हमें सॉल्यूशन दे देता है SDFS. अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें, कॉम्प्लेक्स डेटा. नाउ कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो डेटा है वो रोज और कॉलम में आता है आजकल, कि नहीं हम लोग को एक्सेल शीट मिल गई हमने आराम से कर दिया, ऐसा नहीं है. हमारे पास अनस्ट्रक्चर आता है, XML के फॉर्म में आता है, ये जो हम कोड्स लिखते हैं इसका तो कोई रो और कॉलम नहीं होता, राइट. तो ऐसे हमारा सेमी स्ट्रक्चर में आता है और अनस्ट्रक्चर में आता है, जैसे मीडिया फाइल्स हो गई, वीडियोज हो गई, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये अनस्ट्रक्चर डेटा है, राइट. तो सब कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं. सो इसको कैसे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा बाय यूजिंग टेक्निक लाइक, इस पर हम यूज करते हैं डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. पर ये भी SDFS कर पाता है इस चीज को. एंड दीज टेक्निक्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न. इसका पैटर्न क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इनसाइट क्या है इस कॉम्प्लेक्स डेटा की, तो वही एनालाइज कर देना. अब हमारा जो थर्ड चैलेंज है वो है प्रोसेसिंग डेटा फास्टर. अब पहला प्रॉब्लम क्या होता है हमारा, कि डेटा बहुत ज्यादा है. सेकेंड हमारा है कि डेटा कॉम्प्लेक्स है. और थर्ड हमारे दिमाग में ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस कि चलो अब हमारे पास डेटा तो है बट इसको फास्टर कैसे बनाए, हम इसको फास्ट कैसे बनाए. ऑब्वियसली अगर आप गूगल खोलेंगे और अगर आप 5 मिनट वो देर लगाएगा तो आप गूगल धीरे धीरे यूज ही करना बंद कर देंगे, आप किसी और सॉफ्टवेयर को देख लेंगे, राइट. तो इस वजह से फास्टर डेटा प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लो डेटा प्रोसेसिंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम लाइक हडूप. हडूप में क्या होता है, मैप रिड्यूस. सो जो मैप रिड्यूसिंग थिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग, इससे हमारा डेटा फास्टर होता है. मैंने आपको पैरेलल प्रोसेसिंग बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा. दिस सिस्टम कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स अलाउइंग फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट. सो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट टू प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमारा SDFS आ जाता है. थर्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारा मैप रिड्यूस आ सकता है. तो ये है हमारा पूरा हडूप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बिग डेटा को. ऐसा नहीं सिर्फ हडूप करता है, और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्योंकि मैं अभी डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हम हडूप का यूज़ कर रहे हैं. तो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि सीरीज कंप्लीट करूंगी मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आए ताकि जब आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए क्योंकि आपके दिमाग में है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय, टेक केयर.